नमस्कार, सलाम, जय श्री राम। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग वेल। पाकिस्तान और इंग्लैंड की 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खत्म हो गई, जिसमें पाकिस्तान को 10 साल के बाद टेस्ट सीरीज हारी है इंग्लैंड के अंदर। पाकिस्तान के पास पूरा मौका था ये टेस्ट सीरीज जीतने का। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की कप्तानी की गई अजहर अली की तरफ से पहले टेस्ट मैच के अंदर, और उसी का खमियाजा पाकिस्तान टीम ने भुगता, क्योंकि बाकी के 2 टेस्ट मैचेस ड्रॉ हो गए बिकॉज ऑफ रेन इंटरप्टेड। तो पाकिस्तान ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। लेकिन इसमें से पॉजिटिवनेस क्या मिली? हमने बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज़ किया अजहर अली की बैटिंग, असद शफीक और बाकी प्लेयर्स को, बट पॉजिटिव मिला हमें मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान के ऊपर प्रेशर बहुत था, क्योंकि सरफराज जो एक्स कैप्टन है वो बाहर बैठे हुए थे। अगर रिजवान परफॉर्म नहीं करते तो सरफराज की जगह बन सकती थी, लेकिन रिजवान ने आउटस्टैंडिंग कीपिंग की थ्रू आउट दी सीरीज़ के अंदर। बैटिंग बहुत ज़बरदस्त की, नीचे से आके मुश्किल कंडीशन के अंदर रन्स किए उसने, और उनको जो है मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड दिया गया। और ये जो अवार्ड है वो इंग्लैंड के कोच सिल्वर वुड ने दिया, बिकॉज सीइंग एट हिज एबिलिटीज़ के मोहम्मद रिजवान ने जिस तरीके से कीपिंग करी, बैटिंग करी, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को जो है लेके चला, आई थिंक ही हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब। वेल डन मोहम्मद रिजवान। इस सीरीज़ में हमने देखा जेम्स एंडरसन ने अपने 600 विकेटें कंप्लीट की टेस्ट क्रिकेट में। इट्स द बिगेस्ट माइलस्टोन फ्रॉम एनी फास्ट बॉलर। ही हैज़ बिकम द फर्स्ट फास्ट बॉलर टू टेक दिस अचीवमेंट। वेल डन जेम्स एंडरसन। अभी टेस्ट सीरीज ख़त्म हो गई, अभी सारी नज़र है 3 T20 के ऊपर, जहां पाकिस्तान की टीम को कहा जाता है कि T20 के अंदर बहुत बढ़िया खेल पेश करती है और उन्होंने परफॉर्म भी किया है। लेकिन हाल ही में देखिए होम सीरीज़ के अंदर भी श्रीलंका के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, प्रेशर काफ़ी है बाबर आजम के ऊपर भी। लेकिन देखना है कि क्योंकि अभी सीनियर्स प्लेयर्स भी आ जाएंगे, शोएब मलिक आ जाएगा, वहाब आ जाएगा, आमिर आ जाएगा, तो ये और हफीज़ आ जाएगा, तो इनकी टीम तगड़ी हो जाएगी। फिर उसके बाद जो सबकी नज़र है और मैं खुद देखना चाह रहा हूँ, हैदर अली को, यंग प्रोस्पेक्ट है जिसने PSL में बहुत ज़बरदस्त खेला और सारे लोग उस पर निगाहें रखे हुए कि वो लड़का किस तरह परफॉर्म करता है। आई होप ही डू वेल, बेस्ट विशेज़ फॉर हिम। ये तो थी क्रिकेट की बात, अभी करूँगा दूसरी बात। OMPP वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ एन नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ बेस्ड इन स्विट्ज़रलैंड जिनीवा के अंदर। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दुनिया के लोग जुड़े हुए हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, और उसके अंदर रिलीजियस स्कॉलर्स है, डिप्लोमेट्स है, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ है, बिजनेस मैन है। इस ऑर्गेनाइजेशन OMPP का जो काम है वो बेसिकली है पीस के ऊपर काम करना, ह्यूमैनिटी पे काम करना। लेकिन इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर फैले हुए हैं, वो अपने हिसाब से काम करते, कोई रिलीजियस वे से काम करता है, जो कोई स्पोर्ट्स की को देख रहा होता है, कोई अपना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा होता है, कोई प्रोजेक्ट बना रहा होता है जिसके अंदर इंसानी खिदमत की जाए, वो काम कर रहे होते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड रियली आई वॉन्ट टू थैंक द प्रेसिडेंट ऑफ OMPP मिस्टर पाल्टा एंड द सेक्रेटरी जनरल ऑफ एशिया हु हैज़ गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी to become the honorary ambassador of OMPP and the director general of Pakistan. और ये जो opportunity इन्होंने मुझे दी है, मैं तहे दिल से इनका शुक्र अदा करता हूँ। और दूसरी बात ये कि जो इन्होंने मेरे अंदर faith और confidence दिखाया है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैं उसको पूरा deliver करने की कोशिश करूँगा। और मैं यहाँ चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन में आके जुड़े और अपना हिस्सा दे, क्योंकि ये एक ह्यूमैनिटी का काम है, एक पीस का काम है, और हम अपने पाकिस्तान के अंदर ऐसे काम करें जिसके अंदर पाकिस्तान की तरक्की हो सके, पाकिस्तान से जो यंग जनरेशन है वो हम आगे ला सके। तो मेरी भी ये कोशिश रहेगी कि मैं पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट की दुनिया में काम करूँ, उसके बाद फुटबॉल, क्योंकि पाकिस्तान में देखें क्रिकेट एक चीज़ है, उसके बाद फुटबॉल को बहुत ज़्यादा देखा जाता है और बहुत हमारे यहाँ बच्चे हैं वो खेलना भी चाहते हैं, तो उनके लिए कोई इतना बड़ा फोरम नहीं है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं OMPP के अम्ब्रेला के अंडर
फुटबॉल के ऊपर काम करूं और यहां पर जो है फुटबॉल के अंदर बच्चों के लिए मदद करूं, और कोशिश ये करूंगा कि अगर यूरोपियन प्लेयर्स या इस तरह के कोई बड़े प्लेयर्स आ सके और यहां पर हमारे बच्चों को जो है कोचिंग कर सके, और पाकिस्तान की यंग जनरेशन को मैं ऊपर लाने के अंदर पूरा काम करूँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि इस काम में जो है भगवान मेरी मदद करे, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है मुझे, एक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है मुझे, और जो कॉन्फिडेंस शो किया है OMPP ने, तो मैं उसको पूरा कर सकूँ। OMPP जो है विद डिफरेंट फाउंडेशन के साथ, लाइक फुटबॉल फॉर नेशन, बहुत सारी फाउंडेशन है, उनके साथ मिलकर बहुत जल्द पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और एशियन कंट्री के अंदर फुटबॉल के इवेंट कराना चाह रही है। बिकॉज ये इंडिया के फुटबॉल फॉर नेशन फाउंडेशन है, वहाँ पर 2016 से इनकी जो टीम है जिसके अंदर बॉलीवुड के सेलिब्रिटी लाइक रणबीर कपूर, डीनो मोरियो एंड अदर सेलिब्रिटीज आर पार्ट ऑफ फुटबॉल फॉर नेशन, उसके साथ इनकी जो इवेंट है वो होते रहते हैं हर महीने, बिकॉज अभी जो पेंडेमिक है उसकी वजह से इनके जो इवेंट नहीं हो रहे, लेकिन बहुत जल्द नेक्स्ट ईयर तक जब ये पेंडेमिक की सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी तो फुटबॉल फॉर नेशन इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट कराने जा रहा है जिसके अंदर यूरोपियन और टॉप के फुटबॉलर्स ज्वाइन करेंगे। मैं यहाँ चाहूँगा कि आप लोग जो है इनके यूट्यूब चैनल पे जाके फुटबॉल फॉर नेशन में इसकी जो लिंक जो है वो जो अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और उसके बाद इनका जो फैन पेज है फुटबॉल फॉर नेशन उसकी भी लिंक आप लोग को तो दे दूंगा, तो आप लोग प्लीज़ जाए और अपनी वहाँ पर वीडियोस वगैरह शेयर करें फुटबॉल खेलते हुए। देखें एक अपॉर्चुनिटी है, और इसी तरह से ये फाउंडेशन है एक अपॉर्चुनिटी बन के सामने आई है सब यंगस्टर्स के लिए कि वो अपनी क्वालिटी बता सके। देखें हम क्रिकेट को तो बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है, उसको प्रमोट किया जाता है, लेकिन फुटबॉल को इतना ज़्यादा एशियन कंट्री के अंदर प्रमोशन नहीं मिलती है। बच्चे खेलना चाहते हैं लेकिन वो आगे नहीं निकलते, तो फुटबॉल फॉर नेशन जो है वो ये काम कर रहा है कि बच्चों को आगे लेके आएगा, और जब इवेंट होंगे तो उनके जो है मैचेस करवाएगा आपस के अंदर, और आपको मौका मिलेगा सेलिब्रिटीज़ के साथ खेलने का, टॉप फुटबॉलर के साथ जुड़ने का, उनके साथ तस्वीरें बनाने का। तो इट्स एन ड्रीम फॉर यंगस्टर्स। तो इसी तरह से मैं भी पाकिस्तान के अंदर जो है कुछ ऐसा काम करूँगा कि जहाँ पर मैं बड़े फुटबॉलर्स को ला सकूं और यहाँ पर यंगस्टर्स को जो है उनकी तो कोचिंग वगैरह कर सकूं। तो ये जो मेरा दूसरा पार्ट था क्रिकेट के अलावा का, मैं चाहूँगा कि आप लोग इसके अंदर भरपूर सपोर्ट करें। पहले OMPP ऑर्गेनाइजेशन को आप जाएं और वहाँ पर जितने, मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान से जितने लोग जुड़ना चाहते हैं प्लीज़ जुड़े इसके अंदर, टॉप नॉच लोग जो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, पाकिस्तान की जो यूथ के लिए काम करना चाहते हैं और पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना चाहते हैं यूथ के ज़रिए, तो आए जुड़े, हम मिल के काम करेंगे और हमारे यंगस्टर्स को हम प्लेटफॉर्म बना के देंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय।